डियर स्टूडेंट्स, अपनी आज दी जिहड़ी जो ये वीडियो मैं बना रहा ये तुहाडे कल 13 तरीक नूं होण वाले टैसट की तैयारी वास्ते बड़ी यूजफुल रहूगी। तुसीं इस नूं ध्यान नाल सुनना। मैं पहला टॉपिक लिया डिटरमिनर्स, लिखिया सम एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। मैं तुहानूं एक्सप्लेन करांगा, जिवें पहलां तुहानूं एक वीडियो च मैं डिटरमिनर्स बारे दस्या सीगा, जिहड़े टॉपिक विचों कवर नहीं हुए सीगे वो मैं इस एक्सरसाइज के थ्रू तुहानू समझाने की कोशिश करूँगा। तुसी इहनू दो बारी सुनना जरूर। फस्ट सेंटेंस है, हाउ डैश मनी डू यू वांट। आपां मच ते मैनी विचों चूज़ करना है, तां की आऊगा हाउ मच मनी। धन जायदाद इन ए गिनण वाली चीज़ नहीं गी, ए मात्रा वाली चीज़ विच मनी जाती है, तां की फिर की आऊगा हाउ मच मनी डू यू वांट। नैक्सट सेंटेंस, ऑल डैश बुक्स आर लाइंग एट सिक्सिस एंड सैवनस। सिक्सिस एंड सैवनस मैंने होंगे भी खिंडरिया हुई, ऑल ज़्यादा हो गई, ऑल द बुक्स क्योंकि बुक्स लिखे है ऑल द बुक्स आऊगा, एन नहीं आ सकता तो द आना इतने, ठीक है। नैक्सट, ही लोस्ट डैश फ्रेंड्स ही हैड, तो इन्हें की आऊगा द फ्यू। हुण क्यों आना द फ्यू ये समझना है। ही लोस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, उसने सारे मित्र वो खो बैठा जो उसके सी, थोड़े पर सारे दे सारे। मैं तुहानू अगे समझाया सी द फ्यू थोड़े थोड़ी गिनती पर सारी दी सारी गिनती बारे जो तो कोई गल की होवे उदो यूज़ करना है। फिर उस तो बाद जिवें सीगा द लिटल कदों यूज़ करना है, जो थोड़ी पर सारी दी सारी मात्रा बारे गल की गई होवे। नैक्सट सेंटेंस है, देर इज़ डैश मिल्क इन द जग। हुण जग विच डैश मिल्क है, हुण इत्थे आपां की लिखांगे लिटल। हुण लिटल क्यों लिखिया, क्योंकि दसना चाहने हाँ भी ना मात्र मात्र है, जग दे विच ज़्यादा दुध है नहीं गा, ना मात्र है। द लिटल आपां तां यूज़ करना सी जे उस मिल्क बारे कुछ खास दस्या हुंदा, जिवें आपां कहीए भी आई ड्रैंक द लिटल मिल्क दैट वॉज़ इन द जग, भी जिहड़ा थोड़ा सी मैं सारे दा सारा वो पी गया, तो उस सारे बारे कुछ गल की हो लिटल यूज़ करना सी। इत्थे की आऊगा लिटल, कहन दा मतलब ना मात्र मात्रा। आई हैव डैश वर्क टू डू, मैं बहुत काम करना है। हुण इत्थे गिनती की गल नहीं, मैं बहुत काम करना है, ये मात्रा है, की आऊगा आई हैव मच वर्क टू डू। मच वर्क ये याद रखना है क्योंकि ये मात्रा की गल है, ये सेंटेंस आम तौर पर टेस्ट पूछ लिया जाता है। नैक्सट, डैश पीपल पेड होमेज टू द डिपार्टड लीडर। होमेज मैंने दा श्रद्धांजलि, डैश लोगों ने डिपार्टड लीडर जेडे विछड़ी हुए लीडर जेड़ा हुण लीडर लीडर जिसकी डैथ हो चुकी है उसनु श्रद्धांजलि भेट की। हुण लोग ये गिनती की गल है, तो की आऊगा सैवरल, सैवरल गिनती वास्ते यूज़ किया जाता है, मच नहीं आ सकता क्योंकि मात्रा की गल हुंदी है। नैक्सट सैवंथ, डैश ग्रेप्स आर स्वीट एंड जूसी। हुण ग्रेप्स प्लूरल है, बहुवचन है, इस करके की आऊगा दीज, दैट का एक वचन वास्ते हुंदा है, सिंगुलर वास्ते हुंदा है, वो नहीं आ सकता। एट्थ, ही रिलेटड डैश इंटरस्टिंग स्टोरी। हुण बच्चे तुसीं ए एन द इहदे बारे पढ़िया होया, एन इंटरस्टिंग स्टोरी क्योंकि आवाज़ ऊड़ा आड़ा ईड़ी नाल शुरू हुंदी है, तां फिर एन आ गया, एक वचन नाल एन लगता है, पर आवाज़ का उच उस वर्ड का उच्चारण ऊड़ा आड़ा इड़ी नाल आवाज़ होवे, जिवें ऑनेस्ट बोलते हैं भावें है एच है पर भावें एच वाउल नहीं गा, पर आवाज़ ऊड़ा आड़ा इड़ी नाल आती है, ऑनेस्ट तो एन ऑनेस्ट यूज़ करना होंगे। नाइन्थ, कांता इज़ डैश टॉलर ऑफ दैम। उन्होंने दोनों विचों कांता टॉलर है, लंबी है, तो द टॉलर दूजी डिग्री जिवें कह लैना कंपैरेटिव डिग्री उन्दे नाल दा। बोथ डैश सनज आर वेरी इंटैलीजेंट, बोथ हिज सनज आर वेरी इंटैलीजेंट। नैक्सट एक्सरसाइज, आई हैव डैश फ्रेंड्स इन द सिटी। आई हैव डैश फ्रेंड्स, फ्रेंड्स गिनती वाली चीज़ है, इस करके मैनी मच नहीं आ सकता। नैक्सट, डैश अम्बरेला इज़ डैश यूजफुल थिंग, क्या होगा एन अम्बरेला, अम्बरेला अ नाल आवाज़ निकलती है, एन अम्बरेला इज़ अ यूजफुल थिंग।
डैश ए मैन हैज़ डाइड ऑफ कॉलरा। इतने की आना बेटे, ये गिनती की गल है। मैनी अ मैन, मैनी अ मैन का मतलब वैसे ज़्यादा आदमी हुंदा है, तो इन दे विच आपां की यूज़ किया मैनी, क्योंकि गिनती की गल है, तो की लावांगे आपां मैनी। डैश चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे। दीज के दिस, हम दिस क्यों नहीं आना, क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर है, चिल्ड्रन बहुवचन हुंदा है, इस करके की लावांगे दीज। फिफ्थ सेंटेंस, डिड यू सी डैश एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट, क्या होगा एनी, डिड यू सी एनी। और मैं सामते एनी बारे थानू की समझाया है, क्वेश्चन वाले वाक्यों में, इंटेरोगेटिव वाक्यों में, ते नैगेटिव वाक्यों में आम तौर पर आप एनी यूज करना होता है, इस करके की आया थे एनी। उस तो बाद है शी इज प्राउड ऑफ डैश ब्यूटी, शी इज प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी के हर ब्यूटी। हम तो पता है बेटे हर किन्दे नाल यूज कर रही है, फीमेल नाल, शी तो के दे हिसाब नाल किया हुआ हर ब्यूटी, शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। ये पिछले सालों में ये वाला सेंटेंस फाइनली फाइनल पेपर में पूछा गया सी। सैवंथ, डैश प्लांट इज डाइंग। हुण प्लांट एक वचन है, सिंगुलर है, इस करके किया हुआ दैट। दैट दे दोज दो दोज दा आपां यूज किवें करना है, दैट दूर पई चीज़ एक वज एक चीज़ वास्ते है, ते दोज दूर पईयां ज़्यादा चीज़ां वास्ते यूज किया जाता है। प्लांट एक वचन है, इस करके की लावांगे दैट। डैश द गर्ल्स आर प्रेजेंट टूडे। सम द गर्ल्स नहीं आना बेटे, ऑल द गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स, सारियां लड़कियां मौजूद है अज। शी डिड नॉट सेंड मी डैश रिप्लाई। एनी ते सम चो चूज करना है, तुसी गैस करोगे की निकलिया एनी, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। शी डिड नॉट सेंड मी एनी रिप्लाई, उसने मैनू कोई उत्तर नहीं भेजिया। टेंथ, डैश मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज बेस्ट। हर एक आदमी तो उसके बेस्ट करने की उम्मीद की जाती है, एक्सपैक्ट करना, उम्मीद करनी, तो एवरी मैन इज एक्सपैक्टड, तो मैनी रोंग हो जूगा। ठीक है, हुण आपां नैक्सट एक्सरसाइज देखते हाँ। थर्ड, ये बुक दे पेज ते 40 नंबर पेज ते है। डैश मैंबर ऑफ द पार्टी वाज गारलैंडड। पार्टी दे हर एक मैंबर नू गारलैंड किया गया, मतलब उसके गले विच माला पहनाई गई, क्या होगा एवरी, हर एक मैंबर दे गले विच माला पहनाई गई। इज देयर डैश न्यूज़, तां की लावांगे आपां मैनी दा, लग ही नहीं सकता। इज देयर मैनी न्यूज़, एंज नहीं, इज देयर एनी न्यूज़, कि कोई खबर है, कोई खबर है, एनी। डैश फादर वाज ए फेमस फिजिशियन। फिजिशियन हुंदा बेटे डॉक्टर, जिहड़ा दवाइयां वाला डॉक्टर कह लो, जिन्हें प्रैक्टिस करनी हुंदी है पेशेंट्स ते। माई फादर, क्या होगा माई फादर, माइन रोंग हो जूगा। डैश हॉर्स रनस वेरी फास्ट। हॉर्स सिंगुलर है, हुण तुसीं की लाओगे दैट के दोज, की लावांगे दैट, दैट हॉर्स, ओ हॉर्स तेज दौड़दा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश बुक्स लाई स्कैटर्ड इन द रूम। उस दियां किताबां रूम विच स्कैटर्ड पईयां हन, स्कैटर्ड मैंने खिंडियां हुईयां, खिलरियां हुईयां, क्या होगा हर बुक्स, उस दियां किताबां, जिवें हर हर पेन, उसदा पेन, इस तरह हर बुक्स। सिक्स, प्लीज़ लैंड मी डैश मनी। हुण मैं तुहानूं की दस्या सीगा, प्लीज़ लैंड मी डैश मनी, प्लीज़ लैंड मी सम मनी, क्योंकि नैगेटिव नहीं गा, इंटरोगेटिव नहीं गा, ठीक है, कृपा करके मैनू कुछ धन पैसा उधार दियो। शी हैज़ डैश डॉटर्स, शी हैज़ टू डॉटर्स, गिनती है टू, ट्वाइस हुंदा दुगना, तां इत्थे रोंग हो जूगा, फिर ये ध्यान देना, जिवें हुंदा ना ट्वाइस, थ्राइस। एट्थ सेंटेंस, कंसल्ट योर डॉक्टर इन केस ऑफ डैश डिफिकल्टी। हुण कंसल्ट करो आपदे डॉक्टर नूं, डॉक्टर की सलाह लो, जेकर कोई प्रॉब्लम हुई तां फिर की लावांगे एनी, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, आपां कहिंदे एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी। डैश गर्ल्स आर स्टिल राइटिंग द आंसर, कुछ लड़कियां अजे भी आंसर लिख रही हैं। एनी गर्ल्स रोंग हो जूगा, की लावांगे आपां सम गर्ल्स आर स्टिल राइटिंग द आंसर, जिवें सम गर्ल्स आर स्टिल कमिंग, ओनली डैश परसनस केम टू विटनेस द मैच, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू।
ये याद रखना है, ओनली नाल अ फ्यू, ओनली अ फ्यू परसनस केम टू विटनेस द मैच। ये बेटे जिहड़ा एक्सरसाइज सीगी ये आपां नूं अज डिपार्टमेंट वालों सेंड की गई सी, ते मैं क्या तुहाडे नाल ये मैं वीडियो बना के तुहानूं समझाऊंगा, जे कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है तो मैं जरूर दसना है। हुण उस तो बाद प्रैक्टिस वास्ते एक्सरसाइज तुहाडी बुक विच हैगी है, सॉलवर्ड है, तां तुसीं ओह वी देख सकदे हो। आई वांट डैश एप्पल फ्रॉम द बास्कट, दैट बास्कट, आई वांट एन एप्पल, मैनु एक एप्पल चाहिए। इन्हें आप यूज की करने ए एन द और लीव द स्पेस ब्लैंक इफ नो आर्टिकल इज नीडेड, जे लोड़ नहीं फिर ब्लैंक छोड़ दो। सैकेंड द चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव, द चर्च जिहड़ा चर्च कॉर्नर विच है तो विशेष वास्ते की यूज़ किया आप द। मिस लिन स्पीक्स डैश चाइनीज़, हुण इत्थे किसी भी आर्टिकल की लोड़ नहीं, कोई लैंग्वेज है मान लो चाइनीज़, मान लो कोई होर स्पैनिश, तो उस तो पहला कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना। आई बोरोड डैश पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स, आई बोरोड अ पेंसिल, एक पेंसिल, ठीक है, ए एन द चो भरना ना आप। वन ऑफ द स्टूडेंट सैड डैश प्रोफेसर इज लेट टूडे, कौन लेट है, द प्रोफेसर इज लेट टूडे, वन ऑफ द स्टूडेंट सैड द प्रोफेसर इज लेट टूडे। अली लाइक्स टू प्ले डैश वॉलीबॉल, हम देखो कोई गेम तो पहला जिम्मे फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट भी मैं आ गेम खेलना चाहना हाँ जो मैं पसंद है, उनके तो पहला भी आर्टिकल नहीं यूज करना। आई बॉट डैश अम्बरेला टू गो आउट इन द रेन, एन अम्बरेला, क्या होगा, एन अम्बरेला। माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले डैश वायलन, द वायलन, मेरी डॉटर की सीखना चाह रही है, टू प्ले द वायलन। उस तो बाद है प्लीज़ गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द काउंटर, हूँ बटे इतों ध्यान नाल समझना द किवें यूज़ करना होंगे। हूँ मैं तुहानू दो सेंटेंस बोलदा, जिमें आप कही आई हैव अ पेन, मेरे को एक पेन है, द पेन इज़ ऑफ रैड कलर, हूँ पेन तो पहला पहला आ यूज़ किया, बाद वाले सेंटेंस विच मैं द यूज़ कर लिया, इन्दा मतलब की है भी उस विशेष पेन की गल की गई है। उस तरह सुनो प्लीज़ गिव मी डैश केक दैट इज़ ऑन द काउंटर, मैनू वो केक दियो जिहड़ा काउंटर ते है, काउंटर ते पिया। आई लिव्ड ऑन डैश मेन स्ट्रीट वैन आई फस्ट केम टू टाउन, आई लिव्ड ऑन, कोई आर्टिकल की लोड़ नहीं, नो नीड। नैक्सट एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल, ते जे लीव कर दो जे कोई लोड़ नहीं। एक्सरसाइज सॉल्व कीतियां पईयां तुसी देख सकते हो, आपदी कापी च नोट कर लिया जी, जे हुण मैं तुहानूं बोलदा आ सॉल्वर्ड दित्ती पई है, ठीक है, इहनूं देख सकते हो तुसी। इहदे चो कोई दसण वाला शायद मैं तुहानूं दसदा, हाँ ये सुनो, ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, क्या होगा, एन, इट वॉज अ होरीबल, ए होरीबल है, ए ऑनेस्ट है, इत्थे एन आऊगा हॉरीबल आऊगा, एन ओपेरा एन ईजी लैंग्वेज, फिर एन आर एच नाल आवाज़ आर, मथुरा इज डैश होली सिटी, अ नाल है, होली नहीं दा होली है, कैक्टस इज अ थोरनी प्लांट, कैक्टस इज अ थोरनी प्लांट, थोरनी मैंने कंडिया वाला, कैक्टस की हुंदा तुसीं देखिया होगा प्लांट है जिहड़ा कंडिया वाला रेगिस्तान में उगदा। विच इज़ डैश द लोंगेस्ट लावांगे, जिवें आपां कहिंदे ना सुपरलेटिव डिग्री, तीजी डिग्री की लावांगे, द डैश ऑनरेबल डिस्चार्ज इज एवरी एम्पलाइज राइट, क्या होगा, एन ऑनरेबल डिस्चार्ज। ही इज डैश इंटेलिजेंट मैन, क्या होगा, एन इंटेलिजेंट मैन। तो बेटे ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होंदी है, तुसी ध्यान नाल इसनों सुनोगे तो तुहानू कई चीज़ों का पता भी लगेगा।
थैंक यू।